राजस्थान जो हमेशा से रेगिस्तान और कठपुतलियों के लिए जाना जाता रहा है, उसको अब एक नई पहचान भी मिल गई है। वो है ये सबसे बड़ी कुरान। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रविंद्र मंच पर 2.5 क्विंटल वजन और 10.5 फीट ऊंची व 17 फीट लंबी कुरान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं और इसे कैसे तैयार किया गया है इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। कुरान तैयार करने वाले परिवार का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कुरान है। कुरान तैयार करने वाले परिवार के सबसे बड़े सदस्य मौलाना जमील अहमद ने इस कुरान को लेकर सारी जानकारी दी है। सावा चित्तौड़ के हाजी मोहम्मद शेरखा साहब नवर अल्लाहु मरकदहु और हमने वतन की मोहब्बत में इस काम को अंजाम दिया है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन हो, कैलीग्राफी की दुनिया में, कुरान शरीफ के बड़े साइज होने की दुनिया में। ये 10 फुट 5 इंच लंबा है, 7 फुट 6 इंच चौड़ा है। मेरे छोटे भाई हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम अहमद ने इसको तैयार किया है अपने हाथ से, और कागज़ भी इसका हैंडमेड है। सांगानेर में स्पेशल तरीके से इसको तैयार करवाया है। 400 साल इसकी उम्र है, लेकिन जब शोकेस में रहेगा इंशाल्लाह तो हज़ारों साल बाकी रहेगा। इस पर ये दिखाया है कि कागज़ तो किस तरह काटा है। फ़ाइक अहमद, रागिब अहमद, ये कागज़ काट रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ लाइनें कर रहे हैं। ये तीनों बेटे हैं मेरे, कामरान अहमद, फ़ाइक अहमद, रागिब अहमद, ये लोहे के फुटे से कागज़ को दुरुस्त कर रहे हैं। यहाँ फूल बूटों को ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ मेरी बेटियाँ फूल बूटों में रंग भर रही हैं। इस तरह सब मिल करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं यहाँ प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ और सुपरविज़न का काम मैंने इसमें किया है। इसमें 32 औराक हैं, 64 पेज हैं, हर पेज पर 41 लाइनें हैं। और इस काम को करने में 2 साल का अरसा लगा है। 2012 से शुरू होकर 2014 में ये तैयार हुआ। 22 जनवरी 2014 को उस वक्त जो डायरेक्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक राजस्थान के, वो थे साहबजादे अब्दुल मुहीद खान साहब। हाजी मोहम्मद शेर खान साहब सावा चित्तौड़ के रहने वाले से फ़ोन पर इसकी इजाज़त ली कि इसको हम नुमाइश करना चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट का इदारा है APRI टोंक, वहाँ 22 जनवरी 2014 को इसकी पहली नुमाइश हुई। हज़ारों लाखों लोग आए, यहाँ तक कि हामिद अंसारी साहब भी आए, आज़म खां भी आए, कई कलेक्टर्स भी आए, जजेस भी आए, लेक्चरर्स भी आए, डॉक्टर भी आए, हकीम भी आए, आलिम, फाजिल, कामिल, शायर, अदीब, मुख्तलिफ तबके के लोग लाखों इसके दीदार करने के लिए टोंक आए। जब से अभी तक टोंक में ये रखा हुआ था, यहाँ रविंद्र मंच के जिम्मेदार जो आजकल हमारी डायरेक्टर हैं सवेला माथुर साहिबा, जब टोंक तशरीफ़ लाई तो उन्होंने देखा तो बहुत दिल खुश हुआ और ख़ुशी का इजहार किया और ये चाहा कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन इससे हो रहा है और होगा। मैं चाहती हूँ कि इसकी एक बार नुमाइश जयपुर में भी की जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों और मसरूर हों और आंखों को नूर और दिल को सुरूर हासिल करें। 4 रोज तक ये यहाँ पर रहेगा। रमजान के इस महीने में इस कुरान को देखने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुँच रहे हैं।